अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं मस्जिद नबी में हूँ। आज जुम्मे का दिन है मुबारक, और हम जो है होटल से अपने जो है जल्दी निकल आए थे ताकि हमें मस्जिद नबी में अंदर जगह मिल जाए। तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और शेयर भी करें। आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं मस्जिद नबी और मक्कतुल मुकर्रमा से रिलेटेड। इट वॉज आवर सेकेंड डे और इट इज़ अनबिलीवेबल दैट हम जो है मस्जिद नबी में जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये फील, ये इमोशंस आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स हाउ इट फील्स। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जल्दी से अपने बारगाह में बुलाए। हज और उमरे के लिए अल्लाह ताला सबको बार बार बुलाएँ, जो जा चुके हैं और जो नहीं आए उनको भी बार बार बुलाएँ। और रास्ते में चलते चलते ही जो है अजान हो गई है, स्टार्ट हो गई है। अजान के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस टाइम पे निकलना चाहिए कि आप जो है मस्जिद नबी के बिल्कुल अंदर जाके आपको जगह मिल जाए नमाज़ की। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली है और हमें जो है मस्जिद नबी के बिल्कुल गेट के पास जगह मिली, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो गया था। हम बहुत जल्दी निकले थे, लेकिन फिर भी इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप जो है अगर आपने अंदर जाना है तो एटलीस्ट आप 1.5 से 2 घंटे पहले अंदर जाके अपनी जगह लेकर बैठ जाएँ, क्योंकि इसके बाद गेट्स क्लोज़ हो जाते हैं और फिर अंदर नहीं आपको बाहर जगह मिलती है। और ये बहुत खुशनसीबी है कि जो है आपको बाजमात नमाज़ पढ़ने मिल रही है, इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। गेट नंबर 311 के करीब आप जमजम के लिए जो है ना, आपको अगर बॉटल्स भरनी है तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी भी दी गई है। और 311 से निकलते ही जो है आपको 2 बहुत ही करीब जाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हम भी गए थे, उसके अलग से मैंने डिटेल वीडियो जो है बनाई है, मस्जिद हमामा और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। और यहाँ पे जो है आप जहर के बाद जो है आप आके नफल पढ़ सकते हैं। हम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद जो है ना निकले थे, इसलिए आपको ज़्यादा रश नहीं दिखेगा। अगर आप पहले निकलेंगे तो आप रश में बहुत मतलब लोग आगे पीछे हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके फैमिली वाले घूम जाते हैं। इसलिए आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है थोड़ी देर के बाद निकलें, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद निकलें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये सामने जो है मस्जिद हमामा का व्यू है, बिल्कुल सामने, बहुत नज़दीक है। आप वॉक करके भी आ सकते हैं और डेली भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो है आप बाजरा और जो दाने होते हैं परिंदों के, ये आप लेकर इनको भी दे सकते हैं। 5 रियाल का 1 और 10 के 3 पैकेट देते हैं, अगर आप इनसे बात करेंगे तो शायद एक एक्स्ट्रा पैकेट भी आपको मिल जाए। यहाँ पर उन्हें कहने पे हमें 5 रियाल के 2 पैकेट्स मिल गए। और जो है देखना आप कितना पोर्शन होता है, एक पैकेट में कितना होता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।